हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहित। और गाइस, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, इस टाइम कोरोना की सेकंड लेयर चली हुई है एंड जो कि इंडिया में काफ़ी इफेक्टेड हो चुकी है। इस टाइम काफ़ी ज़्यादा बंदे इफेक्टेड हो रहे हैं उससे और काफ़ी नुकसान हो रहा है। आप आए दिन न्यूज़ चैनल और उसमें देख ही रहे होंगे एंड आई होप आप सभी भी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। इसलिए इसको सीरियस लें और जैसे जैसे सरकार की गाइडलाइन आ रही हैं उनको फॉलो करें, घरों में रहें। और जहाँ जहाँ लॉकडाउन है, हर स्टेट में ऑलमोस्ट अभी लॉकडाउन है, हिमाचल में भी है, यहाँ कांगड़ा में भी है, टाइमिंग है, तो उसी टाइमिंग में ज़रूरत की जो भी चीज़ आपको लगे वो लेने जाएं घरों से बाहर, ऐसे ना निकले। और डबल मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और वैक्सीन भी लगाएँ और सुरक्षित रहें गाइस। और जैसे जो आपके आस पड़ोस में बुज़ुर्ग हैं जिनको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, उनको भी बताएँ वैक्सीन के बारे में। और उनको अगर हो सके, कोई ले जाने वाला नहीं है तो खुद लेके जाएं, जो भी नियर अबाउट आपके हॉस्पिटल वगैरह है उनको वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। और गाइस, बाकी आज का अभी लोग लॉकडाउन में हूँ, अभी मैं भी घर में ही हूँ यार, और इसलिए मास्क वगैरह नहीं लगाया है कुछ भी। तो अभी मैं आपको विलेज, हिमाचल विलेज में जो फार्मिंग वगैरह है वो दिखाऊँगा कि घरों में यहाँ पर लोग कैसे छोटे छोटे खेतों में एडजस्टमेंट करके कैसे फार्मिंग करते हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ लगाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो, तो वीडियो मैं आज का स्टार्ट करता हूँ गाइस और दिखाता हूँ आपको। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यार, और वीडियो को लाइक भी करें। तो अभी स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाता हूँ कि मैंने और मम्मी ने अभी एक दो मंथ पहले लॉकडाउन से पहले लॉकडाउन की तैयारी पहले ही कर रखी थी, क्या क्या लगाया हुआ है खेतों में। तो खुद ही मैंने और मम्मी ने लगे हुए थे हम, तो अभी ऑलमोस्ट सब कुछ लग चुका है। आगे ज़्यादा फिर बरसात में होगा तैयार आगे। तो सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ तो जो आप ये बड़े बड़े पत्ते देख पा रहे हो और इनके ऊपर कुछ आपको वाइट वाइट सा दिखेगा, ये तो ये जो राख होती है ना अपने लकड़ियों की, जो चूल्हे में जलाते हैं वो फेंकते हैं, वो इसलिए कि ताकि ये चिंटियाँ और जो अपने कीटाणु वगैरह और बाकी जो कीड़ियाँ वगैरह होती हैं वो इनको ख़राब ना कर पाएँ। और जो ये पहली चीज़ आप देख पा रहे हो अपने लाड़ुओं में लगी हुई, ये है सुकैस। और ये देखो, ये छोटे छोटे और ये फूल लगे हुए हैं, इसके दो पौधे हैं, एक ये है और एक यहाँ पे है। और इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ तो ये अपना है पल्लम का पौधा, और इसके साथ आप देख सकते हो पल्लम लगे हुए हैं। ये पल्लम का प्लांट लगाया हुआ है मैंने एक, और इस बार फर्स्ट टाइम इससे पल्लम लगे हैं, बट थोड़े ही लगे हैं। और एक यहाँ पे मैंने ये छोटा सा नींबू का प्लांट भी लगाया हुआ है इस बार, अभी आप देख सकते हो ये यहाँ पे। तो अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ, लेके चलता हूँ, पहले आपको ये वाला प्लांट दिखा देता हूँ मैं। ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये है आंवले का प्लांट, बट बकरियों को कुछ ज़्यादा ही प्रेम है इसलिए वो अपने पड़ोसियों की बकरियां इसको हर बार ही काट जाती हैं, थोड़ा ग्रो करता है और ये खा जाती हैं इसको। और इस साइड साथ में देखोगे तो ये खीर है और कितने ही सही लगे हैं, आप देख सकते हैं यार, लॉकडाउन में फ्रेश फ्रेश सब्जी लगी हुई है अपने, अभी एक दो मंथ पहले ही लगाई थी हमने, तो अभी एक दो मंथ हो गए हैं ये सब कुछ लगाए हुए मैंने और मम्मी ने लगाई थी खुद यहाँ पर खुदाई वगैरह करके। तो अभी देख सकते हो खीरे वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। और इसके साथ ही मैं आपको दिखा दूँ तो ये जो आप पिंक पिंक देख पा रहे हो फूल, तो ये है बैंगन के। तो मैं आपको अभी बैंगन भी दिखा देता हूँ, बैंगन कहाँ है, बैंगन यहाँ पे ये देख सकते हो आप बैंगन, और आगे भी लगे हुए हैं यहाँ पर ये लम्बे लम्बे बैंगनियाँ, और साथ में ये गोल सा भी लगा हुआ है। तो बैंगन भी लगे हैं आगे तक काफ़ी, 8-10 प्लांट है बैंगन के, आप देख सकते हो बैंगन वगैरह एकदम फ्रेश। और यहाँ पे खीरा यहाँ पे भी है लगा हुआ, ये देख सकते हो आप। तो और ये जो आप देख रहे हो ना, ये देखो ये राख है,
जो लकड़ियाँ वगैरह जलाते हैं उसकी, इससे जो है कीड़ियाँ वगैरह वो खाती नहीं है, और अपने जो नए नए फ्रेश फ्रेश निकलते हैं इसमें, जैसे आप देख रहे हो ये फूल निकलता है पहले, फिर उसके बाद ये पीछे से ये खीरा, तो इसको जो है कीड़ियाँ वो फूल को ही खा जाती हैं। तो इसलिए सेफ्टी के लिए ऑर्गेनिक तरीके से एकदम तैयार किया हुआ है, अभी आपको दिखाऊं। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो ये देख सकते हो आप कीड़ियाँ कैसे खा रही हैं इसको, पत्तों को खा जाती हैं ये। और यहाँ पे एक बेल ये लगी हुई है अपनी, कद्दू की बेल है, और इसमें अभी फूल वगैरह लग गए हैं आप देख सकते हो। ये जो है ये कद्दू का फूल है, तो काफ़ी बड़ी बेल होगी और काफ़ी ज़्यादा फैल गई है ये वाली बेल अपनी। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये पत्ते, तो ये मैं बता दूँ ये साग है, और इसको बोलते हैं चिलेरी का साग, और इसके पकोड़े भी बड़े सही बनते हैं। और यहाँ पे जो आप ये वाइट वाइट फूल देख पा रहे हो, तो ये मूली का नीचे पौधा होता है उसके ऊपर ही लगता है, और इसमें लगते हैं मुंगरे, तो मुंगरे की सब्जी बनती है बड़ी सही। मूलियाँ लगी थी, अब इनके बन चुके हैं मुंगरे। और यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो ये वाला प्लांट अपना, तो ये है भिंडी का, और छोटी छोटी भिंडियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं आप देख सकते हो, छोटी छोटी भिंडियाँ अभी, बट अभी भिंडियाँ लगेंगी, अभी बिल्कुल छोटी छोटी है। तो यहाँ पे भिंडियाँ भी लगाई हुई हैं हमने। और ये जो पौधा देख पा रहे हो मेरे सामने, ये है संतरे का, बट अभी संतरे लगे नहीं हैं इससे, तो जब लगेंगे, अभी तो 2-3 साल हो गए लगाए हुए, बट इसमें अभी कुछ भी लगा नहीं है संतरे वगैरह, बट पौधा थोड़ा बड़ा काफ़ी हो चुका है ये। और इसके बाद नेक्स्ट दिखाता हूँ आपको मैं, ये है मौसमी, तो ये मौसमी का पौधा है, और इसमें देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मौसमियाँ लगी हुई हैं, और काफ़ी बड़ा हो चुका है ये वाला अपना प्लांट, इसको काफ़ी साल हो गए हैं लगाए हुए, और काफ़ी ज़्यादा मौसमियाँ साल में 2 बार लगती हैं इससे। ठीक ठाक देख सकते हैं, इसको सपोर्ट भी दी हुई है, क्योंकि जब फल लगता है तो टहनियाँ झुक जाती हैं नीचे को, वेट इसका पूरा नीचे को हो जाता है, तो इस करके। तो अभी मैंने आपको ऊपर का दिखा दिया, और बाकी मैं बताऊंगा इस, तो जो सामने आप पहाड़ी ऐसे देख रहे हो, ये जो खेत देख रहे हो इसके आगे जो पहाड़ी वैसे ही था, यहाँ भी अपना जहाँ पे घर डाला और ये खेत बनाए हैं, फिर खुद इनको खुनाई कर करके हाथों से खेत बनाए हुए हैं। पहले हमारे भी ऐसे सीढ़ीदार थे, फिर खुद खुनाई कर करके डंगे दे दे के पत्थरों से ऐसे करके फिर ये खेत बनाया हुआ है। तो अभी मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ कैसे बनाया हुआ है ये वाला खेत अपना। तो अभी मैं आपको नीचे दूसरे खेत में लेकर चलता हूँ, कि कितने देख सकते हो आप, कितने एडजस्टेबल तरीके से छोटे छोटे क्यारे बना के उसमें हर चीज़ लगाई हुई है। तो अभी मैं आपको नीचे ले वाली साइड लेकर चलता हूँ। अभी मैं निचली साइड आ गया हूँ, और आप देख सकते हो यहाँ पर कैसे ये पत्थर वगैरह हमने लगाए हैं, डंगा दिया हुआ है और खेत बनाए हुए हैं, बिकॉज़ पहले ये सीढ़ीदार थे, छोटे छोटे थे, स्टेप बाय स्टेप फिर इनको प्लेन किया खुद मेहनत कर कर के, और अब इसमें सारी सब्जी वगैरह भी लगाई हुई है, एडजस्ट करी हुई है थोड़ी थोड़ी। तो अभी मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ, ये देख सकते हो आप, यहाँ पर लगाई है फ्रासवीन, और आप यहाँ देख सकते हो ये लगी हुई है अभी छोटी छोटी फलियाँ, अभी निकल रही है। तो ये फ्रांसवीन है, यहाँ पे धनिया लगाया हुआ था, बट अभी धनिया का टाइम हो चुका है, तो अभी थोड़ा बहुत ही लगा ये। और यहाँ पे साथ में मैं आपको दिखा दूँ, पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो ये है जी, जिसकी खटी खटी बड़ी टेस्टी सब्जी बनती है पुज्जी की, और
अभी ये छोटे छोटे देख रहे हो, आगे बरसात में तो काफ़ी बड़ा बड़ा साइज़ हो जाएगा इनका। और यहाँ पे ये है करेले के बेले, तो ये पीले पीले फूल देख सकते हो करेले के, अभी लगे नहीं हैं बट फूल वगैरह काफ़ी पड़ गए हैं इसको भी। और यहाँ साथ में लगे हैं ये टमाटर, तो ये देख सकते हो आप टमाटर के पौधों से हरे हरे एकदम ग्रीन टमाटर खट्टे खट्टे लग चुके हैं। और इनकी चटनी वगैरह बड़ी सही बनती है, इन टमाटरों की चटनी वगैरह के लिए काफ़ी यूज़ होते हैं ये। और इसके साथ ही मैं आपको दिखा दूँ तो ये जो आप देख पा रहे हो तो ये है हरी मिर्ची का पौधा, तो इसमें भी फूल वगैरह पड़ गए हैं अभी, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो अभी इससे भी मिर्चियाँ वगैरह लगेंगी। यहाँ पे 5-6 पौधे लगाए हुए हैं। और इसके साथ ही है ये वाली बेल, आप देख पा रहे हो, तो आइडिया आपको आ ही गया होगा कि क्या लग रहा है ये। तो ये जो लगा हुआ है ये है डान्नी, तो ये डान्नी की बेल है। और इसके फूल मैं आपको दिखा दूँ तो वाइट वाइट होते हैं ये, एकदम वाइट वाइट फूल हैं इसके। और यहाँ पे ये अभी छोटे छोटे पौधे जो देख रहे हो आप, तो ये है कद्दू की बेलों के बीज लगाए थे, अभी इनके पौधे निकल आए हैं। अभी बरसात तक इसमें काफ़ी लंबी ग्रोथ करती हैं ये कद्दू की बेलें, और काफ़ी ज़्यादा इससे कद्दू वगैरह लगेंगे। तो अगली साइड चलते हैं हम अभी, तो यहाँ पे जो आप ये बेलें देख पा रहे हो ये है सेम फली, सेम फली की बेलें हैं ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे चढ़ाई हुई है यहाँ को। और ये जो आप देख पा रहे हो पौधा, तो पत्ता काफ़ी लंबा है इसका, तो ये है कच्ची हरदल हल्दी, यानी इसके जो नीचे है वो हल्दी के हल्दी लगती है कच्ची, फिर उसको सुखाते हैं, फिर मशीन में पिसाते हैं, फिर बन जाती है हल्दी। तो ये हल्दी के पौधे भी लगे हुए हैं साथ में। और इस साइड को मूली दिखाता हूँ आपको भी मैं, ये देखिए मूली, तो मूलियाँ भी सीज़न हो चुका है मूलियों का। और इस साइड जो आप ये बेल देख रहे हो ये पडोल, ये पडोल की बेल है, तो ये लेंटर की तरफ को कर दिया, बट अभी मैं यहाँ पे ये आप देख सकते हो होल किए हुए हैं, अभी मैं यहाँ पे इनके लिए तलड़ू बनाऊँगा बेलों के लिए, आपको दिखाता हूँ फिर बरसात में काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाती हैं ये। यहाँ से अमेजिंग व्यू दिखाता हूँ आपको स्नो वाले माउंटेन्स का, तो आप देख सकते हो अभी एक दो दिन से बारिशें काफ़ी हो रही हैं और काफ़ी स्नोफॉल हो रहा है माउंटेन्स पे, और अमेजिंग व्यू आ रहा है। आज भी बारिश हुई थी तो अभी थोड़े बादल हैं इस साइड, इस करके बिल्कुल क्लियर व्यू नहीं आ पा रहा है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ मिस कर दी दिखाना, तो वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे है ये मैंगो आम का पौधा, तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा आम लगे हुए हैं इससे भी। और अभी बरसात में मज़े लेंगे खाने के आम होंगे, काफ़ी बड़ा बड़ा आम होता है, इसका साइज़ होता है इतना बड़ा बड़ा आम लगता है। बना दिया है मैंने ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत बाकी ये बांधना पड़ेगा रस्सियों वगैरह से, और थोड़ी और अभी इसमें डलेगी लकड़ियाँ ऊपर, ये क्रॉस करने को कसना पड़ेगा ताकि तूफान बारिश से हिले ना टूटे ना, वो मैं बाद में करता हूँ। तो फ्रेंड्स आप जो ये देख रहे हैं ये है लहसुन,
और ये हमारा लगा है घर से थोड़े दूर, खेत हैं हमारे तो वहाँ पे लगाया हुआ है। और ये मम्मी जी मेरे निकाल रहे हैं खेत से लहसुन को। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा विलेज फार्मिंग के ऊपर, यानी पहाड़ों में कैसे फार्मिंग वगैरह, छोटे छोटे खेतों में किस तरह से सब कुछ एडजस्ट किया जाता है वो मैंने आपको दिखाया, और क्या कुछ लगा हुआ है लॉकडाउन में, क्या ही बताएं। इस टाइम तो आपको पता ही है बाहर जाना कितना रिस्की है, अगर घर में सब कुछ हो तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पसंद आई हो वीडियो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें आप चैनल को, एंड ताकि हम आपके लिए ऐसे ही न्यू वीडियोस व्लॉग लाते रहें। तो अभी लॉकडाउन है, देखते हैं जो भी कर पाऊँगा एक्सप्लोर करूँगा मैं घर में रह के या अपने खेतों में जंगलों में जहाँ भी हो सकेगा। और बाकी फिर मिलेंगे आपसे न्यू वीडियो न्यू लोकेशन के साथ, और स्टे होम स्टे सेफ, सभी घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और फिर मिलते हैं आपसे गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।